तेरे बच्चों आइए चलते हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और उसके प्रयोग को फैराडे ने किस प्रकार दिखाया, तो उसके प्रयोग दो थे, प्रयोग नंबर एक और प्रयोग नंबर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, प्रयोग एक क्या था। तो प्रयोग वन में टॉपिक बनाएंगे कि फैराडे का प्रयोग नंबर एक क्या था। प्रयोग एक में कुछ बात लिखेंगे फिर हम लोग समझेंगे। तो प्रयोग नंबर एक के नीचे कुछ बात लिखा जाए, लिखेंगे सी एक बंद कुंडली लिया गया, सी एक बंद कुंडली लिया गया जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तथा इसमें कोई बैटरी जुड़ा हुआ नहीं है पूर्णविराम, जब चुंबक स्थिर रहता है तब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है लेकिन जैसे ही चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर तेजी से लाया जाता है तब गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है कॉमा इससे स्पष्ट होता है कि चुंबक के गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। चलिए प्रयोग के सबसे फर्स्ट वाला में क्या लिखे प्यारे बच्चों उसको हम लोग समझते हैं फिगर के माध्यम से। सबसे पहले ये बोला गया कि एक कुंडली लिया गया है, इस कुंडली का नाम सी है, प्यारे बच्चों इस कुंडली का नाम है सी। यहां पे एक कुंडली लिया गया है सी और बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है और इसके पास एक चुंबक रखा गया है और चुंबक का दो ध्रुव होता है, हम लोग जानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। प्यारे बच्चों पहला प्रयोग ये बोला गया कि यहां पे एक कुंडली है सी और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अब गैल्वेनोमीटर किस लिए, ताकि उसमें जितना विद्युत धारा आएगा तो विद्युत धारा को जानने के लिए, विद्युत धारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको चेक करने के लिए यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, ठीक है। अब इसमें पहला केस ये बोला गया कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, सबसे पहले तो ये लिखे हैं कि कुंडली और कुंडली के साथ साथ चुंबक दोनों को अगर स्थिर रखा जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आ रहा है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा कितना आ रहा है, जीरो। कब, जब चुंबक और ये कुंडली दोनों को स्थिर रखा जा रहा है तब। लेकिन प्यारे बच्चों अब हो क्या रहा है कि जब इस चुंबक को उत्तरी ध्रुव को तेजी से कुंडली की तरफ लाया जा रहा है, ध्यान से सुने, एरो क्या बता रहा है
कि इस केस में चुंबक को तेजी से लाया जा रहा है तब कुंडली के गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। क्षणिक विक्षेप का मतलब प्यारे बच्चों थोड़ा सा टाइम के लिए अचानक विक्षेप होता है और फिर अपने स्थिति में आ जाता है। अचानक विक्षेप का मतलब ये गैल्वेनोमीटर का सीधा कांटा है, जैसे इसको तेजी से ला रहे हैं तो विक्षेप हुआ और फिर अपने सीधा स्ट्रेट खड़ा हो गया अपने जगह पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब कुंडली के समक्ष कोई चुंबक के उत्तरी ध्रुव को तेजी से कुंडली के पास लाया जाता है, कुंडली की ओर लाया जाता है, तब पर भी कुंडली के गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। इस प्रयोग से यह पता चला कि कहीं ना कहीं इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जबकि प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई बैटरी भी जुड़ा हुआ नहीं था। इस देख पा रूंगी इस कुंडली में कोई बैटरी जुड़ा नहीं है, फिर भी हम लोग करेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत फिजिक्स एक मजा वाला सब्जेक्ट है। दूसरा, इसके साथ साथ कुछ डाइवर्ट भी करने वाला है, दिमाग लगेगा कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है। एक अच्छा लॉजिक मिल गया, अगर प्यारे बच्चे आपको एक कुंडली दे दिया जाए तार का लपेटन वाला और फिर बोला जाए कि आप इसमें करंट ला दो, तो आपके पास वो जादू आना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये जादू वाले भी इसका यूज करते हैं। एक कुंडली लेते हैं और कुंडली एक तरफ यहां पे कोई हाई पोटेंशियल वाला चुंबक होता है और कुंडली को में एक बल्ब लगा देते हैं ऊपर। अब बोलते क्या है ना, चल बल्ब जल, तो जल जाता है। क्या करते हो, चुंबक को स्थिर रखते हैं। ये बहुत जादू वाले जो है ना, साइंस का लॉजिक वो एक्चुअली प्रयोग करते हैं और हम लोग सिर्फ जान कर समझ कर छोड़ देते हैं। तो जादू वाले जितने भी सभी चीज जादू दिखाते हैं ना, सब क्या करते हैं, तो इस लॉजिक का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, बड़ा सा एक हाई पोटेंशियल वाला चुंबक रख देते हैं कहीं पर्दे के पीछे जो आपको दिखता नहीं है। और दूसरी बात क्या करते हैं, एक कुंडली में एक बल्ब को जोड़ देते हैं और बोलते हैं, पहले क्या करते हैं वो स्पीडली हाथ को तेजी से उसके तरफ लाते हैं। क्या ऐसा करने से क्या हुआ, क्योंकि उसमें करंट आ गया और थोड़ा देर के लिए बल्ब जला और फिर बुझ गया। चल बल्ब जल, बल्ब जल गया, बल्ब बुझ, बुझ गया। ऐसे ही होता है। तो कहने का मतलब है कि एक अच्छा सा लॉजिक मिल गया कि अगर आपको बिना बैटरी का भी धारा प्रवाहित करने का मौका मिले तो बस आप एक जुगाड़ लगाइएगा, हाई पोटेंशियल वाला चुंबक जुगाड़ कर लीजिए, वो ऑटोमेटिक आप विद्युत धारा प्राप्त कर लीजिएगा ऐसे सिचुएशन में। तो चलिए, ये भी हम लोग फर्स्ट एरो दिए थे प्रयोग नंबर वन में। अब प्रयोग नंबर वन ही है, हालांकि उसका जो प्रयोग नंबर वन में फर्स्ट एरो दिए हैं उसका फिगर बना दीजिए और फिगर के नीचे फिर सेकेंड एरो देंगे, वो भी प्रयोग नंबर एक ही है। इसमें लिखा जाए यदि छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर विस्थापित किया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे चुंबक को जितनी तेजी से चलाया जाता है गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उतना ही अधिक तेज होता है, अर्थात धारा की प्रबलता उतना ही अधिक होती है, चलिए अब इसमें एक केस और आया। अब सेकेंड एरो में क्या लिखे हैं कि इस बार जो है ना सभी चीज है, इस बार क्या कर रहे हैं, उत्तरी ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं, कहां से, कुंडली की ओर से,
कुंडली से तेजी से दूर ले जा रहे हैं तो इसमें भी विक्षेप आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में भी धारा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों उल्टी दिशा में हो रहा है, मतलब इधर विक्षेप आ जाएगा। कहीं ना कहीं प्रेरित विद्युत धारा तो हो रहा है ना। प्रेरित विद्युत धारा क्या है? प्रेरित विद्युत धारा वह धारा है जो किसी कुंडली में बिना बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगे, या यूं बोले तो एक चुंबक के वजह से उस कुंडली में या उस तार में धारा प्रवाहित होने लगे, यही होता है प्रेरित विद्युत धारा। प्यारे बच्चों दूसरा केस ये बोला कि कोई भी चुंबक को के उत्तरी ध्रुव को इससे अगर तेजी से दूर विस्थापित किया जाए तो इसमें भी गैल्वेनोमीटर में भी विक्षेप आएगा, लेकिन उल्टी दिशा में आएगा। जब करंट इधर से घूम रहा था तो इसमें इधर से घूमने लगेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि अभी भी आप चुंबक को दूर ले जाइए या उसके नजदीक ले आइए तेजी से, हमेशा हर कंडीशन कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन अंतर बस इतना ही होगा कि आते समय सीधा अगर रहेगा विद्युत धारा की दिशा तो जाते समय उसके धारा का विपरीत हो जाएगा। ठीक है। और फिर एक अहम इंपोर्टेंट वाली बात हम लोग लिखे हैं कि अगर चुंबक को जितना ज्यादा तेजी से दौड़ाया जाए उतना ही प्रबल धारा हम लोगों की कुंडली में प्राप्त हो जाती है। तो पहला देखिए प्रयोग नंबर 1 ही है। पहला प्रयोग में पहला बात ये लिखे कि जब चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है तब क्या होता है, और जब कुंडली को कुंडली से चुंबक को दूर ले जाया जाए तब क्या होता है। तो ये वाला केस आप जो सेकेंड एरो लिखे हैं उसके नीचे फिगर बना देना है, इसका बस डायरेक्शन दोनों का चेंज कर देना है। लिख लीजिए ये सेकेंड एरो का फिगर है। अब लिखा जाए तो ये प्रयोग नंबर 1 था। प्रयोग नंबर 1 में 2 चीज पढ़े कि चुंबक को आसपास लाने पर पास लाने पर क्या होता है और चुंबक को दूर ले जाने पर क्या होता है। अब जरा आते हैं हम लोग प्रयोग नंबर 2। तो प्रयोग नंबर 2 क्या बोलता है इसको लिखा गया है। प्रयोग नंबर 2 ये फैराडे का प्रयोग है। फैराडे ने ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण को बतलाया था 1831 ईस्वी में। ठीक है। तो चलिए इसमें लिखा जाए कुछ बात। एक प्राथमिक कुंडली पी है, बड़ा पी, एक प्राथमिक कुंडली बड़ा पी है जिसमें एक बैटरी बी को, एक बैटरी कैपिटल बी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है पूर्णविराम, इसके बहुत निकट एक दूसरी कुंडली एस है, एक दूसरी कुंडली एस है जिसके परिपथ में कोई बैटरी नहीं जुड़ा हुआ है, कोई बैटरी नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे यदि प्राथमिक कुंडली के कुंजी को, यदि प्राथमिक कुंडली के कुंजी को चालू किया जाता है तो स्वतः ही दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा क्षणिक रूप से आ जाती है। चलिए अब ये वाला जो
सेकेंड प्रयोग है। फैराडे ने क्या किया, जरा बात को समझिएगा। फैराडे ने इस बार दो तरह का कुंडली लिया, दो तरह का कुंडली। एक कुंडली को उन्होंने नाम दिया पी, पी माने प्राइमरी, और प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक कुंडली। और एक लिया एस कुंडली, कुंडली का नाम रखा एस, कुंडली का नाम रखा एस। एस का मतलब होता है सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक कुंडली। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग फिगर बनाते हैं तो फिगर ऐसे बनेगा। एक कुंडली लिया गया, इसका नाम रखा गया पी, इसका नाम रखा गया पी। अब इस पी वाले कुंडली में एक जोड़ा गया है बैटरी, एक बैटरी जोड़ा गया है, एक कुंजी जोड़ा गया है। ये देखिए कुंजी है के, और यहां बी एक बैटरी है, ठीक है। एक पी कुंडली है जिसमें तारों का एक फेरों की लपेटों की संख्या लिया गया है, हालांकि इसमें बैटरी जोड़ा हुआ है और यहां पे एक की है, प्लग है, या फिर बोल सकते हैं स्विच है। अब इसी के नजदीक में एक दूसरा कुंडली लिया गया है, एक दूसरा कुंडली लिया गया है, इसी के नजदीक में एक दूसरा कुंडली लिया गया है। प्यारे बच्चों, इसमें से कुछ नहीं जोड़ा गया है, इसमें एक चीज सिर्फ जोड़ा गया है, वो क्या जोड़ा गया है, एक गैल्वेनोमीटर, जी जी फोर गैल्वेनोमीटर। प्यारे बच्चों, इसमें उन्होंने फैराडे साहब ने क्या किया, एक कुंडली लिया और इस कुंडली में बैटरी भी जोड़ दिया और की यानी कि स्विच जोड़ दिया, और इसके नजदीक में, सटा नहीं होना चाहिए हालांकि नजदीक में, एक और कुंडली लिया जिसका नाम था एस। देखिए पी कुंडली का मतलब हुआ, पी का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, ठीक है। और एस का मतलब हुआ प्यारे बच्चों सेकेंडरी, और सेकेंडरी का मतलब हुआ द्वितीयक, द्वितीयक, ठीक है। यानी कि इसको बोलेंगे प्राथमिक कुंडली, इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। प्यारे बच्चों, उन्होंने एक बहुत बढ़िया रिजल्ट पाया। क्या पाया, कि जैसे ही इसमें कुंजी को ऑन कर रहे हैं ना, यानी कि जब स्विच को ऑन कर रहे हैं तब इसमें विक्षेप आ रहा है और फिर ऑटोमेटिक खत्म हो जा रहा है, यानी कि जब स्विच ऑन कर रहे हैं उस टाइम और जब स्विच को ऑफ कर रहे हैं उस टाइम इसमें क्षणिक धारा प्राप्त हो रहा है। प्यारे बच्चों, सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रयोग नंबर दो क्या है, जरा अच्छा से समझिएगा। एक पी नाम का कुंडली लिया जिसमें एक बैटरी को बी जोड़ा, बैटरी बी को जोड़ा, उसमें प्लग स्विच जोड़ा हुआ है के। अब इसके समक्ष यानी कि इसके नजदीक में एक दूसरा कुंडली एस लिया गया। जैसे इसमें स्विच ऑन किया जा रहा है तो इसके वजह से, इस कुंडली के वजह से, इस कुंडली के वजह से यहां पे जिस टाइम स्विच ऑन किया जा रहा है तो इसके वजह से इसमें दूसरे कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग रही है, और यही इसी के कारण इसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आने लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक्सपेरिमेंट नंबर टू, प्रयोग नंबर टू, जिसमें हमको ये पता चला कि अगर एक कुंडली में बैटरी को जोड़ दिया जाए और दूसरे कुंडली में नहीं जुड़े तब पर भी उसमें हम लोग क्षणिक धारा प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कम टाइम के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें करंट की प्राप्ति किया जा सकता है इस सिचुएशन में। तो आप इस फिगर को बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लीजिए, और ताकि ये पता चले कि ये प्राइमरी कुंडली है, ये सेकेंडरी कुंडली है, यानी कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली में बैटरी है, द्वितीय कुंडली में कोई बैटरी नहीं है, फिर भी हम इसमें धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो आप फिगर को एक्यूरेट बनाइएगा। अब लिखेंगे
टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फराडे के नियम टॉपिक बनाएंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फराडे के नियम। तो विद्युत चुंबकीय फराडे के क्या नियम है, तो इस नियम को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ इक्वेशन आएगा, कुछ समीकरण आएगा, कुछ प्रूफ करने के लिए आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फराडे का जो नियम है ना, हालांकि इसके लिए भी दो नियम है, फराडे का नियम दो है, और ये देखिए फराडे का प्रयोग है, तो कभी भी अपने आप को डाइवर्ट नहीं कीजिएगा कि हो सकता है फराडे का प्रयोग आए और आप लिख दीजिएगा फराडे का नियम, तो दोनों में अंतर है। फराडे का नियम अलग है, फराडे का प्रयोग अलग है। फराडे का दो गो प्रयोग था, हम लोग आज पढ़ लिए, अब अगला दिन हम लोग फराडे के नियम के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि नियम भी कितना है, दो ठो है। तो फराडे के नियम को आज छोड़ते हैं, हम लोग उसको अगले दिन में पढ़ते हैं। तो आज क्लास के लिए यहीं तक, धन्यवाद।